और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की समय सीमा को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली 300 रुपए की सब्सिडी की समय सीमा को 31 मार्च 2025 तक जारी रखने की मंजूरी मिल गई है। वही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4% डीए को भी बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 49.1 लाख कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को इससे फायदा मिलने वाला है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। इसमें 285 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। उधर एआई मिशन के तहत 10,372 करोड़ रुपए के व्यय से इंडिया एआई मिशन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी, उसको एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए और अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर, हर वर्ष 12 सिलेंडर तक की सीमा तक हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक यानी एक साल की अवधि बढ़ाते हुए लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को ये लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो देय डीएनएस अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको डीएनएस रिलीफ मिलता है, इन दोनों में पहली जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया। पहली जनवरी 24 से 4% की वृद्धि से देश भर में बड़े पैमाने पे हमारे पेंशनर्स को लगभग 50 लाख जो एम्प्लॉयज हैं और लगभग 68 लाख जो पेंशनर्स हैं, इन सबको इसका लाभ होगा और इसका वे लगभग 12,868 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के ऊपर रहेगा। दिल्ली के करीब यूपी के ग्रेटर नोएडा में कुछ लोगों ने एक दुकानदार की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उसमें एक आदमी ने उस दुकानदार पर गलत दवा देने का आरोप लगा दिया और इसके बाद तो 10 से 12 लोग उस दुकानदार पर टूट पड़े। उनमें एक आदमी ने उस दुकानदार का कॉलर पकड़ लिया और उसे वहां लगे काउंटर से खींचने की कोशिश की। इस दौरान उस दुकानदार के साथ मौजूद एक महिला और एक लड़के ने उसे जोर से पकड़ा ताकि वो उसे खींच न पाए। ऐसे में लोगों ने उसे काउंटर पर आधा लटका कर घूंसे बरसाना शुरू कर दिया। एक आदमी तो उसकी पीठ पर कोहनी मारता नजर आया। 10 से 12 लोग उस अकेले दुकानदार को बेरहमी से पीटते रहे। ऐसे में दवा लेने आए कुछ लोगों ने भी बीच बचाव करने की कोशिश की लेकिन कोई भी उन्हें काबू नहीं कर पाया। वो लोग काफी देर तक इसी तरह उसे पीटते रहे। बताया गया कि एक बुजुर्ग महिला एक दवाई का खाली पत्ता लेकर उस दुकान में दवा लेने पहुंची थी। आरोप है कि उस दुकानदार ने उस महिला को गलत दवाई दी। इसके बाद उस महिला का बेटा 10-12 लोगों के साथ उस दुकान में पहुंचा और उसी ने उस दुकानदार की पिटाई कर दी। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में एक स्टेडियम के नजदीक एक इमारत में इतनी भयानक आग लगी कि फुटबॉल मैच को बीच में रोकना पड़ गया। आग की वजह से वहां इतना ज्यादा काला धुआं फैल गया कि लोगों को सांस लेने में मुश्किल होने लगी। इस इमारत में दिन के वक्त लगी आग देर रात तक धधकती रही। जबकि दमकल विभाग की 100 से ज्यादा गाड़ियां उस इमारत में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश करती दिखी। जिस इमारत में आग लगी वहां से काला धुआं आसमान में कई फीट ऊंचाई तक उठता दिखाई दिया। धुएं की वजह से ऐसा लगा जैसे वहां काले बादल घिराए हों। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में आग की लपटें और काला धुआं कई किलोमीटर दूर से ही आसमान में दिखाई दिया। जिस इमारत में आग लगी उसके बगल में फुटबॉल का इंटरनेशनल स्टेडियम नजर आया। हादसे के वक्त उस स्टेडियम में फुटबॉल का एक मैच चल रहा था लेकिन लपटों और धुएं की वजह से मैच को बीच में रोक दिया गया। खिलाड़ियों और दर्शकों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया। साउथहैम्पटन के दमकल विभाग ने आग की खबर मिलते ही फुटबॉल स्टेडियम की तरफ जाने वाली सड़कों को पूरी तरह बंद कर दिया। दमकल विभाग की 100 गाड़ियां वहां पहुंच गईं और चारों तरफ से पानी की बौछार करके आग को बुझाने की कोशिश करती दिखी। आग लगने से पहले काले धुएं की वजह से उस इलाके में लोगों को अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने के निर्देश जारी कर दिए। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना से आई एक खबर ने हर किसी को हैरत में डाल दिया। वहां एक जेल में कैदियों के कपड़े उतरवाने को लेकर भारी बवाल मच गया क्योंकि अर्जेंटीना की पुलिस ने उस जेल में तलाशी के दौरान उन कैदियों के ऊपर के कपड़े उतरवा दिए।
तस्वीरों में दिखा कि नंगे बदन उन लोगों को एक कतार में बैठा दिया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये कार्रवाई दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना के सांताफे प्रांत में मौजूद उस जेल में की गई। हालांकि दावा किया गया कि पुलिस वहां अक्सर जेल में बंद कैदियों की तलाशी लेती रहती है, लेकिन कैदियों के कपड़े उतरवाने को लेकर उसकी आलोचना शुरू हो गई। अर्जेंटीना में लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले कई संगठनों ने पुलिस पर कैदियों के अपमान का आरोप लगाया और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। और लोकसभा चुनाव सीट शेयरिंग को लेकर के बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। देर रात अमित शाह के आवास पर अहम बैठक हुई है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू मौजूद रहे। इसके साथ ही जनसेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कल्याण भी शामिल हुए। इन तीनों ही पार्टियों के बीच में आंध्र प्रदेश में गठबंधन होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बिहार साथ ही आंध्र प्रदेश में गठबंधन और सीट शेयरिंग फॉर्मूले के ऊपर चर्चा हुई है। बैठक में बिहार कोर ग्रुप के नेता भी मौजूद रहे। तो 400 पार का नारा जो बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है एनडीए के लिए, 400 पार वो बिना साउथ को साधे नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी और टीडीपी ये जो गठबंधन होने वाला है उसे लेकर खासी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। और वही दिल्ली में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। बैठक में बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत की गई। जेपी नड्डा के आवास पर करीब आधे घंटे तक ये बैठक चली। बड़ी खबर, बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के चिराग पासवान के साथ चर्चा हुई। जितने भी सहयोगी है उन सभी को साधने की कोशिश हो रही है, एक साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। तो बड़ी खबर, बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूले के ऊपर चर्चा चिराग पासवान के साथ हुई। जेपी नड्डा के आवास पर आधे घंटे तक ये बैठक चली। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चुनाव के ऊपर बीजेपी का यह महामंथन। अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा की जा रही है। 195 उम्मीदवारों का नाम पहली लिस्ट में शामिल हो चुका है, अब दूसरी लिस्ट का इंतजार है। इधर राजस्थान पेपर लीक मामले में दो महिला आरोपियों के मॉक इंटरव्यू ने पूरे मामले की पोल खोलकर रख दी। मॉक इंटरव्यू के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान उम्मीदवारों से परीक्षा से जुड़े सवाल करते हैं। ये उनकी तैयारी का ही एक हिस्सा होता है। और सोशल मीडिया पर राजस्थान पेपर लीक मामले की दो आरोपियों का जो वीडियो वायरल हुआ वो भी इसी तरह के एक मॉक इंटरव्यू का बताया गया। लेकिन मॉक इंटरव्यू के इन वीडियो ने राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद के लिए हुई भर्ती में फर्जीवाड़े की पोल खोल दी। मॉक इंटरव्यू के दौरान सब इंस्पेक्टर की नौकरी पाने वाली एक महिला आरोपी का जवाब सुनकर लोग हैरान रह गए। लिविंग रिलेशन जी सर, क्या होता है सर, मैं बता तो दूंगी पर आप संतुष्ट हो गए। मॉक इंटरव्यू के वीडियो में दोनों महिला आरोपी साधारण सवालों के जवाब भी नहीं दे पाई। परीक्षा में चुनी गई दोनों महिला सब इंस्पेक्टरों का ये वीडियो पेपर लीक का पर्दाफाश होने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। 2021 में राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर पद के लिए भर्ती परीक्षा कराई गई थी, लेकिन 3 साल बाद परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर जांच की गई तो 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक दिन पहले सभी को कोर्ट में पेश किया गया था जहां उन्हें 6 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया था।